देखिए, सबसे पहला तरीका हमारे पास ये आता है कि हमने तीन केसेस यहाँ बना के आपको दिखा दिए जिसमें कन्वेक्शन करंट बनने का चांस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमें पहचानना ये है कि वेदर देयर विल बी अ कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस्ड और नॉट। तो पहला केस हमारे पास ये है कि हम बॉटम से हीट कर रहे हैं। भाई ऑब्वियसली बात है, इफ आई एम हीटिंग फ्रॉम द बॉटम आई विल हैव अ कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस। सही, और कन्वेक्शन करंट कैसा बनेगा कि भाई यहाँ से लिक्विड ऊपर जाएगा और साइडों से लिक्विड जो है वो आपके पास सिंक करेगा। ये हमारे पास कन्वेक्शन करंट की फॉर्मेशन का तरीका हो जाता है। अगर मैं साइड से हीटिंग करता हूँ तो लिक्विड जो साइड पर मौजूद है वो लेस डेंस होकर राइज करेगा और दूसरी साइड पर मौजूद लिक्विड जो है वो सिंक करना शुरू हो जाएगा। मतलब इस तरह का आपके पास जो है वो कन्वेक्शन करंट बन के सामने आएगा। लेकिन अगर मैं टॉप पे हीटिंग करूँ तो टॉप पे हीटिंग करने से कन्वेक्शन करंट स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। उसकी वजह सीधी सीधी ये है कि टॉप पे हीटिंग करने की वजह से आपके पास जो लिक्विड टॉप साइड पर मौजूद था वो लेस डेंस हो जाएगा और वो ऊपर ही रहेगा। वो भारी थोड़े जो नीचे बैठ जाए वो लेस डेंस होकर ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा और नीचे वाला पानी मोर डेंस होगा क्योंकि वो कूल होगा अभी। तो ऊपर वाला वाटर ऊपर ही रह जाएगा, नीचे वाला वाटर नीचे ही रह जाएगा, कन्वेक्शन करंट स्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो व्हेन यू आर हीटिंग एट द टॉप इन दिस केस, इट इज इन केस थ्री, नो कन्वेक्शन करंट इज प्रोड्यूस्ड। सी एज लेस डेंस वाटर at the top stays at the top. See, वो water जो less dense हो गया वो top पे था और top पे ही रहेगा। And the more dense water stays at bottom. इसी तरह से कूलिंग करने के थ्रू भी कन्वेक्शन करंट स्टैब्लिश किया जा सकता है। कूलिंग के थ्रू भी कन्वेक्शन करंट स्टैब्लिश किया जा सकता है। अच्छा, कैसे किया जा सकता है भाई कूलिंग के थ्रू कन्वेक्शन करंट स्टैब्लिश? कि अगर मैं बॉटम पे कूलिंग करूँ तो नहीं होगा, क्योंकि बॉटम पे कूलिंग करने से जो लिक्विड नीचे मौजूद है वो लेस डेंस हो जाएगा, वो मोर डेंस हो जाएगा, भारी हो जाएगा और नीचे ही रह जाएगा। लेकिन अगर मैं टॉप पे कूलिंग करूँ तो ऊपर वाला पानी जो है वो ठंडा होगा, डेंसिटी बढ़ेगी और वो नीचे सिंक करना शुरू करेगा और नीचे वाले वाटर को ऊपर की तरफ पुश कर देगा, क्योंकि वो नीचे वाला वाटर कंपैरेटिवली लेस डेंस होगा, अभी वो इतना ठंडा नहीं हुआ, उसमें अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई। तो यहाँ पे इफ आई एम कूलिंग एट द बॉटम देन वी विल हैव नो कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस्ड। नो कन्वेक्शन करंट as cool water is more dense and heavier, so stays at bottom. See, इसलिए convection current इसमें नहीं बन सकता, लेकिन second case में बनेगा कि the cooler water at top is more dense and it sinks, pushing the less cool
लेस डेंस वॉटर, लेस कूल लेस डेंस वॉटर जो है आपका ऊपर की तरफ जाना शुरू कर जाएगा, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट स्टैब्लिश हो जाएगा। एक सेकंड लिखिएगा। ठीक है भाई, तो इट पुशेस द लेस डेंस वाटर अप एंड हेंस द कन्वेक्शन करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो आपके पास दोनों तरीकों से कन्वेक्शन करंट स्टैब्लिश होने का तरीका पता चल गया। कूलिंग से भी कन्वेक्शन करंट बन सकता था और हीटिंग से भी कन्वेक्शन करंट बन सकता है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे हीट कर रहे हो और कहाँ पे कूल कर रहे हो। अब ये कुछ कंसीक्वेंसेस हैं कन्वेक्शन की, सी ब्रीज के एस्टैब्लिशमेंट, लैंड ब्रीज के एस्टैब्लिशमेंट। ये मैं मशवरा दूंगा कि आप लोग थोड़ा सा रीड कर लेना खुद ही, सही जनरल स्टेटमेंट्स दिखी हुई है मैंने, समझाने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा, सही। हाँ, अब अगर इसके बावजूद भी अगर किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं बता दूंगा। मैं असल में थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेजर कंटेंट जो है ना, जो एग्जाम में प्रॉपरली असेस होता है, मैं उसके ऊपर पहले ज़्यादा फोकस कर दूँ और वो चीज़ जो है आपको जल्दी समझा दूँ। अब हमारे पास जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वो रेडिएशन का आता है। ये तीसरा मोड है हमारे पास हीट ट्रांसफर करने का। रेडिएशन का जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू होता है, मतलब इट इज द हीट ट्रांसफर वाया इंफ्रारेड रेडिएशन। यही ट्रांसफर है इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से, विच इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सेवन वेव्स की एक फैमिली है, सात वेव्स आती हैं, एक फैमिली है ये। और इन सातों की सातों वेव्स एक खसूसियत ये होती है कि दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, विदाउट मीडियम ट्रैवल कर जाते हैं, जैसे अभी हमने शुरू में पढ़ा भी था। तो उसमें जो इन्फ्रारेड रेडिएशन होती है ना, वो आपके पास हीट ट्रांसफर करने की रेडिएशन होती है। ये एनर्जी हीट एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे जो रेडिएशन के थ्रू होने वाली हीट ट्रांसफर है वो असल में इन्फ्रारेड रेडिएशन की जो वेव्स होती हैं वो लेके जाती हैं इस एनर्जी को। और क्योंकि ये इन्फ्रारेड रेडिएशन विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकती हैं, तो ये वाहिद ऐसा हीट ट्रांसफर का तरीका है जो वैक्यूम में भी होकर हो जाता है। मतलब मीडियम हो या ना हो, रेडिएशन के ऊपर अफेक्ट इससे, मतलब रेडिएशन उस पर डिपेंडेंट नहीं है कि भाई मीडियम हटा दिया तो रेडिएशन हल्की हो जाए, ख़त्म हो जाएगी, मीडियम होगा तो ही रेडिएशन होगी, ये नहीं है। क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाकी कंडक्शन कन्वेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स चाहिए होते थे एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जब तक मॉलिक्यूल नहीं होगा एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती।
क्योंकि वही कैरी करते थे एनर्जी, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एनर्जी कैरी नहीं करते आपके पास। यहाँ पे जो एनर्जी कैरी करने वाली चीज होती है वो आपके पास मीडियम होता है आपका, वो मीडियम बोल रहा हूँ, रेडिएशन के पार्टिकल्स होते हैं अपने खुद के छोटे छोटे, सही, उसको हम फोटॉन्स बोलते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस के पार्ट नहीं, वो खुद एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। It does not require any material medium to travel. So, ये आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, इसको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं आती ट्रैवल करने के लिए। इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, या इट कैन अकर इवन इन वैक्यूम। मीडियम हो या ना हो रेडिएशन हो जाती है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो बेटा रेडिएशन के ऊपर, हीट ट्रांसफर के ऊपर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो रेडिएशन को अफेक्ट करता है वो है सरफेस का कलर या उस बॉडी का कलर। रेडिएशन डार्क सरफेसेस पे ज्यादा अच्छी अब्जॉर्ब होती हैं और उसमें ज्यादा अच्छी इमिट होती है। ये कह लो कि डार्क सर्फेसेज आर गुड अब्जॉर्बर्स एंड गुड इमिटर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एज कम्पेयर टू द लाइट कलर्स। आप देखो कभी भी गौर करो, जितने भी समर कलेक्शन आते हैं आपके पास, सही है, वैसे मिसाल के तौर पर लॉन प्रिंट्स हैं, लॉन प्रिंट्स खास तौर पे लड़कियों को तो ज्यादा ही अंदाजा होता है कि जितने भी समर कलेक्शन आते हैं वो सब लाइट कलर में आते हैं, और जितने भी विंटर कलेक्शन आते हैं आपके पास किसी भी उसमें चले जाओ सारे डार्क कलर्स में होते हैं। जनरली टोन ऐसा होता है मरून, डार्क ब्राउन, ब्लैक, नेवी ब्लू, सही है, डार्क ग्रीन, इस शेड में जाते हो सर्दियों के अंदर। और लाइटर टोन यानी लाइम कलर हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, लाइट ब्लू हो गया, सही है, पिंक हो गया, पिंक बिल्कुल बेबी पिंक टाइप का, तो इस तरह के जो कलर्स होते हैं ये सारे आपके पास समर कलर्स होते हैं, क्योंकि ये कलर्स लाइट या हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब, हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कम करते हैं और इमिट भी कम करते हैं। डार्क कलर्स अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं। कोई सब्सटेंस या कोई बॉडी उस वक्त एब्जॉर्ब करती है जब उसका टेम्परेचर कम हो और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो। तो गर्मियों में क्या होता है कि मैं अगर मैं कोई क्लोथिंग पहन के जाऊंगा तो बाहर गर्मी में वजह से टेम्परेचर ज्यादा है। अब अगर मैं ब्लैक कलर का सूट पहन के चला गया तो मसला क्या होगा कि मेरी जो क्लोथिंग है वो उस बाहर मौजूद हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेगी, और लाजमी बात है कि जब इमिशन होगी तो मुझे गर्मी फील होगी, मैं बोलूंगा यार तो आगे पीछे की हर जगह गर्मी एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अगर मैं लाइटर कलर पहन के जाऊँ, मतलब नेवी ब्लू पहन के, लाइट ब्लू पहन के चला गया या व्हाइट कलर का कोई सूट पहन के चला गया, तो उसमें मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है भाई ये कलर जो है ये रेडिएशन को कम एब्जॉर्ब करता है, तो बाहर की ज्यादातर गर्मी मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये हमारे पास एक जनरल जो है वो अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से हमारे पास कलर्स का मामला चलता है। तो कलर में डार्क कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड इमिटर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये कह रहा हूं कि डार्क कलर्स हीट अप क्विकली एंड ऑल्सो कूल डाउन क्विकली। एग्जाम्पल के अंदर आप किस तरह से दे सकते हो कि भाई ये सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल है, पेपर की एग्जाम्पल नहीं है ये, सही है। तो एक आप ये बोल सकते हो भाई लॉन प्रिंट कलर कलेक्शन सिर्फ जहन में रखने के लिए, पेपर में मत लिख देना भाई, सही। पेपर में क्या लिख सकते हो, हाँ पेपर में ये लिख सकते हो कि जो आपके सोलर गीजर्स होते हैं उनकी बेस प्लेट्स को डार्क रखा जाता है। आयशा बेटा फर्स्ट होता है कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन आता है, फिर रेडिएशन आता है। तो यहां पे बेस प्लेट ऑफ सोलर गीजर्स आर मेड ब्लैक, वो ब्लैक इसलिए बनाया जाता है ताकि उनके ऊपर जब हीट पड़े तो वो हीट एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है बेटा मैं दे दूंगा, जब मैं लिख लूंगा एक पेज के ऊपर तो उसके बाद फिर मैं आपको स्क्रीन स्नैप के लिए टाइम दे दूंगा।
नहीं ये पीडीएफ तो अपलोड होता ही है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। अब हम एक्सपेरिमेंट अगर ये करते हैं कि इफ टू बॉडीज दे आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड अ प्लेस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द हीटर एट द सेम टेम्परेचर एंड द हीटर इज टर्न्ड ऑन। एक्सपेरिमेंट कैसा हो रहा है कि मैंने दो कंटेनर लिए यहाँ पे और दोनों को साइड बाय साइड रख दिया, सेम डायमेंशन सेम मटेरियल, बीच में रखा है हीटर, ठीक है हीटर रख दिया मैंने। जब हीटर को स्विच ऑन करूंगा तो हीटर हीट एनर्जी इस वाले लेफ्ट वाले कंटेनर को भी देगा और राइट वाले कंटेनर को भी हीट एनर्जी देगा, सही हीटर तो दोनों को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। अच्छा अब ये जो ब्लैक कलर का कंटेनर है, एक को मैंने ब्लैक कर दिया कलर और एक को मैंने लाइट कलर यानी व्हाइट कर दिया, दोनों में मैंने वाटर इंसर्ट किया और थर्मोमीटर डाल दिया ताकि मैं इनका टेम्परेचर नोट कर सकूं और मैं टेम्परेचर टाइम ग्राफ बना रहा हूँ इनका कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनके टेम्परेचर में क्या फर्क आ रहा है। तो मैं ये देखूंगा कि द लिक्विड इन द डार्क कंटेनर The liquid in the dark color container heats up quickly than the liquid in light colored container. See? और एक higher temperature में पहुंच गया, मतलब ये यूं गया ये इस तरह से, मतलब व्हाइट वाले का टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ा जितना ब्लैक वाले कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहां से पता चला कि हाँ भाई ब्लैक कलर्स आर गुड अब्जॉर्बर्स, ये डार्क कलर्स आर गुड अब्जॉर्बर्स, सही ये चीज प्रूव हो रही थी यहां से। और इसी तरह से आपने इमिशन का चेक भी किया, सही। अच्छा इमिशन पे जाने से पहले मैं स्क्रीनशॉट्स के लिए आपको स्नैप टाइम दे दूं, मूसा अगर आपको स्क्रीन स्नैप लेना है तो आप ले सकते हो, मैंने पीडीएफ ही अपलोड हो रहा होगा तो आप अगर पीडीएफ से डायरेक्ट बाद में देखना चाहो तो वो भी कर लेना, बिल्कुल लाइव है पीडीएफ बेटा गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाते हैं। ये कि थोड़ा टाइम, मतलब मैं आज रात तक अपलोड करूंगा प्रॉब्ली, मैं शाम में अपलोड कर दूंगा क्लासेस से फ्री होने के बाद में। ठीक है मैं मुझसे स्नैप ले लिया होगा आपने इसका, इसका स्नैप ले लो। अब ये एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम कूलिंग का इफेक्ट देखना चाहें कि भाई इमिशन किसकी अच्छी है, तो क्वेश्चन ये था कि बोथ कंटेनर्स या बोथ ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट टू द सेम एलिवेटेड टेम्परेचर एंड अलाउड टू कूल, दोनों को सेम टेम्परेचर पे लाया गया और उन्हें कूल होने दिया गया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये टेम्परेचर ये टाइम, इस बार हीटर मौजूद नहीं है पर उनको कूल होने दिया जा रहा है कि भाई सेम लिक्विड मौजूद है, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड सेम टेम्परेचर के ऊपर और थर्मामीटर इंसर्ट होगा हमारे इसमें। इफ यू अलाउ देम टू कूल दे बोथ इमिट एनर्जी। अच्छा इमिट क्यों कर रहे होंगे भाई, उनका अपना टेम्परेचर ज्यादा होगा बाहर का टेम्परेचर कम होगा इसलिए एमिशन ज्यादा रेट पे चल रही होगी, सही। तो देर से डार्क कलर और ये आपके पास लाइट कलर है, तो मामला ये होगा कि आपका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा।
डार्क कलर के कंटेनर का टेम्परेचर जल्दी ड्रॉप होगा, अब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट होना, ये नीचे नहीं जाते रहना, थोड़ा सा ग्राफ, ठीक है। जो लाइट कलर्ड कंटेनर है टेम्परेचर उसका भी ड्रॉप होगा थोड़ा देर से, इसका टेम्परेचर पहले ड्रॉप होगा सीधा हो जाएगा, इसका थोड़ी देर में ड्रॉप होगा सीधा। ये लाइट कलर्ड कंटेनर के लिए था, ये डार्क के लिए था, डार्क वाला जो है वो जल्दी कूल होगा, टाइम कम लगेगा, पहुंचेंगे दोनों सेम टेम्परेचर पे और वह रूम टेम्परेचर जीरो होते जाना भाई। जीरो मतलब जाना, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया रूम टेम्परेचर पे जाएगा तो उससे नीचे नहीं चला जाएगा, पता जाना हम उसको जीरो पे लेके चलेगा बिल्कुल, इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिए। ठीक है, तो कोई मसला तो नहीं किसी का। अब आप मुझे सजेशन दो कि इस एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो हम वाटर की हीटिंग और कूलिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो दोनों कंटेनर्स के लिए सेम होनी चाहिए ताकि रिजल्ट्स अनबायस्ड हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो दोनों के लिए सेम होना जरूरी है। कौन सा टेम्परेचर, चलो सही है रूम टेम्परेचर, और इसके अलावा अनबायस्ड रिजल्ट्स हासिल करने के लिए कौन सी दो चीजें हमें सेम रखनी जरूरी है। सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड, बिल्कुल, यू नीड टू हैव द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, यू नीड टू हैव द सेम टाइप ऑफ लिक्विड। ऐसा नहीं कि एक आपने हल्का लिक्विड यूज कर लिया और एक आपने थोड़ा सा जो है वो ऐसा लिक्विड यूज कर लिया जिसको हीट करना मुश्किल होता है, तो दैट वुड बी एक्चुअली रॉन्ग। तो ये आपके पास सेम टाइप ऑफ लिक्विड होने चाहिए, सेम इनिशियल टेम्परेचर होना चाहिए लिक्विड का, ये तमाम चीजें आपके पास सेम होनी चाहिए, कंटेनर का मटेरियल सेम होना चाहिए, ये भी जरूरी है, कंटेनर का मटेरियल भी आपके पास सेम होना चाहिए, साइज ऑफ कंटेनर, यस एग्जैक्टली, ये भी चीज है, दीज आर ऑल द फैक्टर दैट नीड टू बी केप्ट कॉन्स्टेंट। एक मिनट मुझे दो मिनट जरा वाई फाई डिवाइस चार्ज करा, बंद हो जाएंगे।
चलो भाई रिज्यूम करते हैं। तो हमने कॉन्स्टेंट सोच ले रहे हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ मेटल, टाइप ऑफ लिक्विड जो कंटेनर में हो, सही है, अमाउंट ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ कंटेनर, इनिशियल टेम्परेचर, तमाम ऐसी चीजें थी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट होनी चाहिए। और इस तरह के हर एक्सपेरिमेंट में ये चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं। आप सिर्फ उस चीज को वेरी करते हो जिस चीज को आपने चेंज करना होता है, कि भाई आप दो पैरामीटर के दरमियान में डिटर्मिनेशन करना चाह रहे हो, बस वही दो आपके पास चेंज होने चाहिए, बाकी एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ भी जो ऐसा है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगला हमारा है सरफेस टेक्सचर, मतलब सरफेस फिनिश कितनी है, स्मूथ है, रफ है, क्या है, उस चीज को आप सरफेस टेक्सचर बोलते हैं। सरफेस टेक्सचर का रेडिएशन पे इसलिए इफेक्ट होता है क्योंकि ये इंफ्रारेड रेडिएशन लाइट की तरह बिहेव करती है, ये रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, ये रिफ्रैक्ट हो सकती हैं, सब चीजें होती हैं। तो मसला ये है कि जब आपके पास लाइट या लाइट बोलो सॉरी इंफ्रारेड रेडिएशन किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उसका रिफ्लेक्ट होके जाना पॉसिबल है। अब जैसे लाइट है शाइनी सरफेस से बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन करती है, डल सरफेस पे से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाती उसकी, इसी तरह से इंफ्रारेड रेडिएशन का भी मामला होता है। शाइनी सर्फेसिस के ऊपर बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन करेंगे लेकिन डल सर्फेसिस के ऊपर इन्फ्रारेड रेडिएशन रिफ्लेक्शन अच्छी नहीं करती। आप कभी कंटेनर के सरफेस जो आपका थर्मोस फ्लास्क है उसके अंदर की सरफेस देखा करो कितनी शाइनी होती है, जो अक्सर मेटल की बॉटल्स भी आती थी बुलेट वाली उसके अंदर की सरफेस देखा करो कितनी शाइनी होती है, इसीलिए शाइनी बनाई जाती है ताकि हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो सके। तो यहां पे हम ये चीज लिख सकते हैं कि भाई शाइनी सर्फेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। Shiny surfaces jo hain they are good reflectors of infrared radiation, dull surfaces are poor reflectors. Acha agar wo reflect nahi kar pa rahe to wo radiation kaha jayegi, wo radiation us surface mein us body ke andar absorb ho jayegi, yani agar refractor acha nahi hai to absorber acha ho jayega. ये आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई सरफेसेस जितनी शाइनी होंगी उतनी अच्छी रिफ्लेक्शन, जितनी डल होंगी उतनी पुअर रिफ्लेक्शन। एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं कि इनसाइड ऑफ थर्मस फ्लास्क इज मेड शाइनी, ताकि अगर आप उसमें कोई कॉफी वगैरह पोर करो तो वो या टी पोर करो तो वो वार्म रहे, वो ठंडी ना हो जाए। अदरवाइज वही मसला होगा कि आपके पास टेम्परेचर जो है वो उसका लूज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा अगर डल होगा, क्योंकि वो मेटल अब्सॉर्ब करता रहेगा हीट, बाहर इमिट करता रहेगा, अंदर का टेम्परेचर ड्रॉप। अगर आपने देखा आप पॉलिश फ्लोर की भी एग्जांपल ले सकते हो, यस एग्जैक्टली। इसके अलावा गाड़ियों की विंडस्क्रीन के ऊपर आपने देखा होगा एक सिल्वर कलर की शीट लगाई जाती है कभी कभार, गर्मी में खासतौर पे गाड़ियों की विंडस्क्रीन पे एक सिल्वर कलर की आप शीट लगा देते हो, सही है, वो इसलिए लगाई जाती है कि भाई जो गर्मी या धूप आए तो वो गाड़ी के अंदर ना आए, क्योंकि अगर वो धूप गाड़ी के अंदर आएगी तो वो बहुत ज्यादा हीटअप कर देगी गाड़ी, उससे फिर हमें नुकसान होता है। इस वजह से लाजिम आता है गर्मी लगती है, दिमाग खराब हो जाता है गर्मी की वजह से, फिर हमारा लड़ रहे होते हैं सारे मिलके एक दूसरे से, रोड के ऊपर हॉर्न बजा जा रहे होते हैं, तो इसलिए हम वो शाइनी सर्फेसेस लगा देते हैं कि भाई ठीक है अंदर आने वाली हीट जो है वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगी।
एक तरह से यही भी एक्सपेरिमेंट है कि शाइनी सर्फेसेस फ्लूइड एब्जॉर्बर होती हैं या नहीं होती, ये आप देख लेते हो कि भाई आपने एक सर्फेस बनाया ब्लैक टिन और एक रखी शाइनी टिन, सही, ये है ब्लैक डल ब्लैक, सही, और ये शाइनी पॉलिश्ड मटेरियल की सिल्वर, वो इस तरह से एग्जाम में जब भी आपको सवाल देगा वो डल ब्लैक और पॉलिश सिल्वर का कंपेरिजन करवाएगा, सही, ताकि एक का कलर भी लाइट और सर्फेस भी पॉलिश, एक का कलर भी डार्क और सरफेस भी रफ, ताकि कंपैरिजन जो है वो अनबायस तरीके से हो सके। मतलब ये नहीं करेगा कि डल सिल्वर कर दिया और शाइनी ब्लैक कर दिया, अब बंदा सर को ज्यादा रह जाएगा भाई शाइनी सर्फेसेस तो अच्छी रिफ्लेक्टर होती है लेकिन ब्लैक सर्फेस अच्छे अब्जॉर्बर है, अब इसको मैं अच्छा रिफ्लेक्टर बोलूँ या अच्छा अब्जॉर्बर बोलूँ, ये लाइट को ये हीट को फेंकेगा वापस या हीट को अब्जॉर्ब करेगा, अब बंदा इसमें कंफ्यूज होकर बैठा है, तो ये नहीं करता एग्जाम में, क्योंकि ऐसे केसेस में ना फिर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है कि भाई किसका इफेक्ट ज्यादा आ। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो जनरली हमेशा जब भी एग्जामिनर देगा वो आपको डल ब्लैक सरफेस देगा एक तरफ और अगली तरफ पॉलिश सिल्वर सरफेस देगा, कलर भी लाइट है और सरफेस भी पॉलिश्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूँ कि दो कंटेनर्स को एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख दूँ और उसको एक हीटर में प्लेस कर दूँ मैं आसपास, सही, कि दोनों का हीटर से फासला बराबर हो, तो दोनों को हीट एनर्जी मिल रही होगी फ्रॉम दैट हीटर, दोनों अपना टेम्परेचर भी चेंज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो मामला होगा हमारे पास वो ये होगा, द शाइनी सरफेस ये शाइनी कंटेनर विद हीट अप लेस देन द डल कंटेनर, सही, मेजॉरिटी हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कि अगर आप टेम्परेचर टाइम ग्राफ बनाते हो इसका तो भाई जो डल वाला सरफेस होगा उसमें मौजूद लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा राइज करेगा, शाइनी वाले का टेम्परेचर कम राइज करेगा। ये वाला मामला है, कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, इसमें क्या कांस्टेंट रखना चाहिए हमें भाई? इसके अंदर जो हमें चीजें कांस्टेंट रखनी है उसके अंदर हमारे पास, जैसे अगर मैं खाली सरफेस को चेक करता, अगर मैं खाली सरफेस चेक करता तो फिर मैं कलर सेम रखता, सिर्फ दोनों को ब्लैक रखा, एक को डल ब्लैक एक को शाइनी ब्लैक, अब देख रहा हूँ एक को डल ब्लू एक को शाइनी ब्लू, बस कलर सेम है ताकि कलर का इफेक्ट ना पड़े, सही, सरफेस की पॉलिश का इफेक्ट पड़ सके, तो आपको कलर सेम रखना पड़ेगा, उसके अलावा मास वगैरह सब चीजें, मास ऑफ लिक्विड वगैरह जो लास्ट टाइम आपके पास था, साइज ऑफ कंटेनर हो गया और आपके पास कह लो के टाइप ऑफ मेटल हो गया, ये तमाम चीजें आपके पास कॉन्स्टेंट रहेंगी जैसे कि पहले कॉन्स्टेंट थी। तीसरा फैक्टर जो बेटा रेडिएशन पे इफेक्ट करता है वो है सरफेस टेम्परेचर, बॉडी कितनी ज्यादा हीट अप हुई है, याद रखना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का टेम्परेचर का जो ताल्लुक है वो टेम्परेचर के साथ पावर फोर पे है, पावर फोर पे, मतलब अगर आप टेम्परेचर डबल करते हैं ना इस सब्सटेंस का, अगर आप टेम्परेचर डबल करते हैं तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डबल नहीं होगा, वो पावर फोर टाइम्स यानी 16 गुना बढ़ जाएगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से सरफेस का टेम्परेचर जो है वो कम से कम रखा जाए, क्योंकि अगर सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा तो रेडिएशन एक्सपोनेंशियली समझ लो इंक्रीज हो रही है तो नहीं एक्सपोनेंट, लेकिन पावर फोर का मतलब भी होता है कि बहुत ज्यादा एक्सपोनेंट, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा। तो डबलिंग द सरफेस टेम्परेचर
increases the heat transfer rate by heat transfer rate आपके पास 16 times increase हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 की power 4 है ना, इस वजह से। तो इस चीज का ख्याल रखा जाता है। और चौथा बेटा सरफेस एरिया, क्योंकि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने एटम सरफेस पे से हीट को इमिट करेंगे। अगर सरफेस एरिया कम कर दोगे एटम सरफेस पे कम होंगे जो हीट इमिट करेंगे। अगर मुझे किसी चीज के अंदर से रिड्यूस हीट रिडक्शन बढ़ानी है तो मैं एरिया बढ़ाता हूँ उसका। ये अक्सर एक और काम किया जाता है, देखो अगर चाय अगर जल्दी ठंडी करनी है तो मैं उसका प्रेस में डाल देता हूँ, प्लेट में डाल देता हूँ। उससे दो काम होते हैं, एक तो इवेपोरेशन तेज हो जाती है और दूसरा सरफेस एरिया बढ़ने से रेडिएशन के थ्रू होने वाला हीट ट्रांसफर बढ़ता है। वो चाहे जल्दी जल्दी अपनी हीट एनर्जी इमिट करती है बाहर, क्योंकि एरिया ज्यादा हो जाता है ना उसका। पहले कप में थी, एरिया कम था उसका, जहां से हीट जा सकती थी टॉप से, जब प्लेट में डाला एरिया बढ़ गया, अब हीट जल्दी जा रही, देखो बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है आपके पास की। तो यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, द लार्जर द सरफेस एरिया द फास्टर इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। Wire radiation. सही, या ये कह रहे हो कि ग्रेटर सर्फेस एरिया वाला ऑब्जेक्ट जल्दी ठंडा होगा, जितना ज्यादा सर्फेस एरिया होगा उतनी जल्दी वो कूल डाउन होगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो वो ले सकता है, मैंने पिछले वाले इसका भी दिखाया था। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ताकि फिर मैं आगे वाला कंटेंट का भी स्क्रीनशॉट दे दूं। Surface texture. ऐसे ही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं जरा। यहां पे कुछ हीट लॉस फ्रॉम द बिल्डिंग्स को रोकने के लिए कुछ मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, तो मैं पीडीएफ सेंड करूंगा तो उसको रीड कर लेना, ये पूरा लिखा हुआ है। ये आसान सी चीज है, तब मुश्किल नहीं, कहाँ कहाँ से हीट किस तरह से जा सकती थी और उसको रोकने के लिए आप क्या क्या मेथड्स जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे घरों के अंदर अक्सर होता है ना कारपेटिंग की जाती है, कर्टन्स डाले जाते हैं,
सही है, आप ये चीजें लगाते हो ताकि आपकी जो कमरे की है हीट एनर्जी वो बाहर ना जाए, सही है, या बाहर से जो हीट एनर्जी वो अंदर ना आए। इवन घर का जो कलर किया जाता है वो लाइट कलर रखा जाता है, लाइट कलर इसीलिए रखा जाता है कि भाई जितना आपके पास डार्क कलर होगा वो ज्यादा हीट का अब्सॉर्ब करेगा और ज्यादा हीट इवेंट भी करेगा, मतलब गर्मी में भी मसला सर्दी में भी मसला। तो भाई गर्मी में आप नहीं चाह रहे हीट अंदर आए लेकिन आपके घर का कलर डार्क है तो हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और सर्दियों के अंदर आप चाह रहे हो हीट बाहर ना जाए तो वो घर का कलर लाइट है वो घर का कलर डार्क है वो हीट बाहर फेंक देगा, आपका घर ठंडा हो जाएगा सर्दी में और गर्मी में हो जाएगा। आप उसका उल्टा मामला करना चाहते हो तो व्हाट यू डू कीप कलर्स लाइट, सही, आप उसका कलर को लाइट रखो हमेशा। लाइट कलर रखने से क्या होता है भाई गर्मियों के अंदर अब्जॉर्प्शन कम होती है और सर्दियों के अंदर इमिशन कम होती है, ताकि हीट जो है गर्मियों में ज्यादा अंदर ना आए, अंदर का घर ठंडा रहे और बाहर जो है जब मौसम ठंडा हो जाए तो अंदर की जो हीट है वो बाहर आ जाए, इससे भी जो घर है वो गर्म रहेगा आपके पास, सर्दियों में आपका घर गर्म रहेगा और गर्मी में आपका घर जो है वो ठंडा रहेगा। तो कलर वगैरह हो गए ये सब चीज़ों को देखा जाता है। बाकी विंडोज वगैरह लगाई जाती है, डबल ग्लेजिंग विंडोज, डबल ग्लेजिंग विंडोज में सब में क्या होता है बीच में एयर भरी हुई होती है, वो एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है और हीट को थ्रू द रूम क्रॉस होने से रोकती है। बल्कि एक जमाना तो ऐसा था कैसे ब्रिक्स लगाए जाते थे जिनमें दो ब्रिक्स के दरमियान में कैविटी रखी जाती है, हॉलो ब्रिक्स का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, कुछ कंट्रीज में तो हॉलो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जो ब्रिक्स के दरमियान में एयर ट्रैप हुई हुई होती है जो कि उनकी घर की इंसुलेशन को बहुत अच्छा कर देती है, इससे आपको घरों में ज्यादा एसी और पंखे वगैरह चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर वैसे ही ठंडा रहता है। अब ये लास्ट हमारे पास है वैक्यूम फ्लास्क का इस्तेमाल, कि भाई हम वैक्यूम फ्लास्क को जो है कहाँ कहाँ यूज कर रहे होते हैं। अच्छा हमने अब तक तीन मेथड्स पढ़ लिए कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन में, जब बात सारी ये है कि भाई इनमें से किसी भी मेथड के थ्रू कंप्लीट हीट ट्रांसफर मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन ये तो रोके जा सकते हैं लेकिन कंप्लीट हीट ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू नहीं स्टॉप हो सकता, मतलब इट इज इम्पॉसिबल दैट यू हैव The heat transfer via radiation completely. उसके रीजन ये है कि वैक्यूम में भी ये हो जाता है, मतलब आपके पास मीडियम हो या ना हो उसके बावजूद भी आपके पास जो है वो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा होता है। अब बंदा ये बोलता है कि भाई यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, तो इसमें आप कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू तो रोक देते हो, आप रेडिएशन के थ्रू नहीं रोक पाते, रेडिएशन के थ्रू रिड्यूस कर देते हो, सही, रोक नहीं पाते रिड्यूस जरूर कर देते हो आपके पास। तो यहाँ पे जो सिचुएशन होती है हमारे पास, तो हम कहते हैं भाई हमने एक थर्मोस फ्लास्क डिजाइन किया और उसके डिजाइन में इन बातों का ख्याल रखा किसी तरीके से कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन को मुकम्मल तरीके से रोका जा सके। तो यहाँ पे स्टॉपर जो लगा हुआ है स्टॉपर को कंडक्शन के थ्रू होने वाले हीट ट्रांसफर से रोका जाता है, कंडक्शन, क्योंकि स्टॉपर जो है वो इंसुलेटर का बना होता है, सही है, वुड वगैरह इन सब चीजों का डिजाइन हुआ हुआ होता है, तो कंडक्शन थ्रू होने वाले हीट ट्रांसफर से रोक देते हैं। डबल ग्लास डबल वॉल्ड ग्लास वेसल जो होता है आपके पास के बीच में एयर भी होती है और ग्लास खुद भी एक इंसुलेटर है, तो ये भी आपके पास कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को रोक देता है। असल में आप बोलोगे सर बीच में एयर है तो कन्वेक्शन कैसे रुक रही है, देखो कन्वेक्शन होने के लिए एयर का कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि एक साइड से एयर राइज कर सके अगली साइड से एयर सिंक कर सके, अगर एयर कॉलम बहुत पतला बना दोगे ना तो कन्वेक्शन करंट ही नहीं बन सकता। तो आप डबल वॉल्ड ग्लास वेसल में जब एयर भरते हो ना तो ये जो एयर होती है ना ये कंडक्शन रोक देती है, ये हीट को आगे की तरफ जाने नहीं देती। एयर आपके पास एक इंसुलेटर के तौर पे काम करती है इन दोनों के दरमियान जो भरी हुई है और बाहर जाने से रोक देती है। इसी तरह सिल्वर सरफेसेस जो होती हैं शाइनी है भाई, सिल्वर सरफेसेस से रेडिएशन रिड्यूस हो जाएगी, सही, रिड्यूस हो जाएगी, खत्म बिल्कुल नहीं कर पाते, खत्म बिल्कुल नहीं कर पाते, वैक्यूम भी क्रिएट कर दोगे तब भी खत्म नहीं हो पाए, सही। तो वैक्यूम स्टॉप्स ट्रांसफर वाया बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, वैक्यूम के थ्रू कंडक्शन और कन्वेक्शन तो रुक जाता है, रेडिएशन भी होती है, बस रेडिएशन को रोकने के लिए सिल्वर सरफेसेस का इस्तेमाल किया जाता है दोनों साइडों को सरफेस पर।
ये वाला मामला है। आपने तमाम फीचर्स का जो इसमें बनाए हुए हैं, हर फीचर का इस्तेमाल हो रहा था किसी न किसी तरीके से हीट ट्रांसफर करोगे। स्टॉपर कंडक्शन रोक देता है, डबल वॉल ग्लास वेसल आपके पास कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों रोक देता है, सिल्वर सर्फेसिस की वजह से आपके पास रेडिएशन रुक जाती है, और वैक्यूम की वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन रुक जाता है। ये तमाम तरीके आपके पास हीट ट्रांसफर को रिड्यूस कर देते हैं, और काफी हद तक मैं कहता हूँ मतलब 85-90% तक आपके पास जो है वो अचीव हो जाता है आपका गोल, लेकिन फिर भी हीट लॉस होता है। और अभी नहीं तो काफी देर बाद जाकर लेकिन आपके पास टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होना ही शुरू हो जाता है। तो ये सब, और ये डायग्राम भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से आपके पास अगर अंदर का कंटेनर आपने लिक्विड जो भरा हुआ है वो हॉट लिक्विड है तो सिनेरियो क्या होगा, रेडिएशन आगे स्ट्राइक करेंगी, ज्यादातर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएंगी अंदर ही, क्योंकि सिल्वर सरफेस थी ना, ज्यादातर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेडिएशन हैं जो ट्रेवल करके गई बाहर की तरफ जिससे एनर्जी लॉस हुआ। और इसी तरह अगर अंदर लिक्विड आपने ठंडा रखा हुआ है से, तो क्या होगा, बाहर से रेडिएशन आ रही होंगी, टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, सही, सिर्फ कुछ रेडिएशन अंदर ट्रेवल कर पाएंगी जो अंदर मौजूद लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इसीलिए अगर कोई लिक्विड वार्म है तो वो वार्म रहेगा, अगर कोई लिक्विड कूल है तो वो कूल रहेगा। ये वाला मामला, सही, वार्म लिक्विड जो है वो बाहर नहीं जा पाएगा, और कूल वार्म लिक्विड की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी, कूल लिक्विड की जो हीट है वो कूल लिक्विड जो है उसके लिए हीट बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी। तो ये आपके पास पूरा प्रोसेस जो है वो अकर हो जाता है। इस पे कोई सवाल है बेटा तो आप पूछ लो। बेटा ये लास्ट है, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है भाई, मैं लेक्चर्स वगैरह अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। कल की क्लास में हम ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी के बाद जरा हीट कैपेसिटी वगैरह के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई, टेक केयर, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, अल्लाह हाफिज़।